आडवाणी जी क्षमा करना, आप भाजपा में वाले उनको आडवाणी जी और शंकर सिंह वाघेला और पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के जो नरेंद्र मोदी से पहले थे केशुभाई पटेल, ये तीनों बैठे और राम जन्मभूमि का अवसर पर एक मेला चल रहा, उसमें एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि सत्यन जी बहुत राम राम करते थे यहाँ पे, बहुत कविताएं सुनाई तुमने, आप राम मंदिर की क्या स्थिति है, कोई नाम ही नहीं ले रहा है। मामला कोर्ट में था पर वो पत्रकार ने सवाल कर लिया, बोलो क्या कहना है तुम्हारा। तो मैंने दो पंक्तियां पढ़ी कि मंदिर बना ना पाए राम का, राजनीति में खोट है, लड़ता मंदिर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तुम्हारा। आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया, आडवाणी जी तो समझ ही नहीं था। उनसे ज्यादा तो कोई समझदार हो ही नहीं सकता, वो उठ के चले गए। मुझे लग गया कि मेरा राजनीतिक भविष्य खराब हो गया। है, लेकिन मेरा कोई राजनीति भविष्य था ही नहीं तो खराब क्या होगा। मेरी रुचि भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों के प्रति, संघ के प्रति मेरी जो आराधना का भाव है वो अपने स्थान पर है। मैंने भी खड़ी खोटी सुनाने में कोई चूकता थोड़ी, और ये निकालते भी नहीं मेरे। सरस्वती है तो एक ही बात सिखाई थी कि दान की कमाई पर जीते हैं अपाहिज लोग, दान की कमाई पर जीते हैं अपाहिज लोग, तुम मुझको मान की कमाई पर जीने, दान की कमाई पर जीते हैं अपाहिज लोग, तुम मुझको मान की कमाई पर जीने दो, क्योंकि कर्म की प्रकाशक गीता मेरे उर में है, साधना अगर विष है तो विष ही पीने दो। हम जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं और इस विश्वास के साथ जीते हैं कि पाके खोना मेरा दस्तूर नहीं, खो के रोना मेरा दस्तूर नहीं, मैं तो जागा हूँ जगाने के लिए जबकि सोना मेरा दस्तूर नहीं। जो जाग करके सो जाते हैं वो जागरूक होते हैं। हिंदी का एकमात्र शब्द ऐसा है जिसका उपयोग सारे राजनेता करते हैं, वो जागरूक। अब जाग गया तो रुका क्यों है? रुकने के लिए जगह है क्या? उठ, अपने कर्तव्य की ओर बढ़ता चला चल। अगर तूने अपने कर्तव्य की सीढ़ियों को ठीक करा तो शाही की तरह अमृत तो तेरा इंतजार कर रहा है। एक शाही पर नपा हुआ शब्द पेन से निकल करके अक्षर पर अंकित होता, कागज पर अंकित होता है। पेन में लगी निब से बेहतर शाही कागज संग अपना ब्याह रचाती है। जो शाही पेन से निकल करके अक्षर बन गई, उस शाही का उस पेन से पुनर्मिलन नहीं होना है, मोक्ष हो गया उसका, अमरता प्राप्त हो गई उसे। वो शाही वापस उस पेन में नहीं आएगी और वो पेन जो है वापस उस शाही पर फिरने के लिए मजबूर नहीं होगा, क्योंकि उसने वर्ण की आकृति को धारण करके अपने आप को श्रेष्ठता का परिचायक बना करके खड़ा कर दिया। पेन में लगी निब से बेहतर शाही कागज संग अपना ब्याह रचाती है। कोरे अकलंक पत्र पर अंकित हो शब्दाकृति ले सचित्र बन जाते। समझा न क्या उनका कागज पर अंकित गीत बन जाता है, गीली माटी सा फूला धूला मन। मन की बात करते और मन के बारे में साधु संतों ने कहा कि मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर,
इस मन के मते न चालिए, पलक पलक मन को। मन क्या है? लेकिन मन जो है अंतरात्मा के संविधान का सारथ्य करता है। उससे सारथ्य करने जो संकल्प निरूपित किए जाते हैं, जो वपित होते हैं, वही पुष्पित परिवर्तित होकर के कल्प वृक्ष की तरह निकल करके आते हैं। शब्द और वर्ण, जब वर्ण ही शब्द का रूप लेता है, शब्द ही वर्ण के रूप में परिवर्तित होता है, और वो ऐसा आकाठ्य होता है जो अजर है, अमर है, अक्षय है, अखंड है, अच्छेद है, अभेद है, उसको छेदना मुश्किल। ये जो अखबार कर्मियों के बीच में बढ़ने का अवसर मिल रहा है, ये क्या है? ये भी तो शब्दों के ही पुजारी है। प्रजातंत्र की ज्योति रेखा के रक्षक हैं ये। प्रकार क्या है? प्रजातंत्र की ज्योति रेखा के रक्षक, दुराचार दुर्नीति के हेतु तक्षक, नए भोर की तुम सुनहली किरण हो, नए भोर की तुम सुनहली किरण हो, उदित दिन मणि के तुम मंगल चरण हो, उदित दिन मणि के तुम मंगल चरण हो।